भिंड जिले में 31 शिक्षकों ने दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी प्राप्त कर ली थी। ऐसे में दिव्यांग शिक्षकों के रीमेडिकल के संबंध में प्राप्त हुई रिपोर्ट को जिला शिक्षक अधिकारी द्वारा आयुक्त विभाग को भेजा गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि विभाग क्या एक्शन लेता है। देखिए एक खास रिपोर्ट। भिंड जिले में विकलांग कोटे के आधार पर 31 शिक्षकों ने नौकरी प्राप्त कर ली थी, जिसके संबंध में विभाग से पत्र प्राप्ति के बाद उक्त शिक्षकों की दोबारा मेडिकल जांच करवाई गई, जिसमें 17 शिक्षकों ने ग्वालियर जयरोग से जांच करवाई है। उनमें 3 शिक्षक सुनील त्रिपाठी, रजनीश शर्मा और अमित कुमार शर्मा को विकलांगता में कम प्रतिशत प्राप्त होने पर उनकी बर्खास्तगी के लिए लिखा गया है, जबकि 5 शिक्षक मेडिकल परीक्षण कराने के लिए नहीं पहुंचे हैं। उन पर भी नियमानुसार कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया है, जबकि 5 कर्मचारी ऐसे भी हैं जिनकी अपेक्षित रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। उनकी परीक्षण रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। शेष 2 शिक्षक जिले से बाहर चले गए हैं। सर, शिक्षकों की सब काउंसलिंग हुई थी, कुछ लोग अपने स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो थे उन्होंने नहीं लगाए, कुछ के सर्टिफिकेट गलत थे, इसको वहाँ पर ग्वालियर भी भेजे गए थे परीक्षण के लिए उन लोगों के। सर क्या जानकारी है सर इसके? शायद आप दिव्यांग कोटे से जो नियुक्त हुए शिक्षक उसके संबंध में जानना चाह रहे हैं। तो अपने जिले में ऐसे 31 शिक्षक थे जो जिले में विकलांग के कोटे में नियुक्त हुए थे। उनका परीक्षण कलेक्टर महोदय के निर्देश के पालन में JD संयुक्त संचालक स्वास्थ्य ग्वालियर से कराने का निर्णय लिया गया था, जिसमें जो विकलांग शिक्षक थे वो अपने परीक्षण के लिए गए। उसमें से कुल मिलाकर के अभी 17 दिव्यांग शिक्षकों की रिपोर्ट हमारे पास प्राप्त हो गई है। उसमें से 3 शिक्षकों की रिपोर्ट जो है परसेंट उनका विकलांगता का कम पाया गया है, जिनकी कार्रवाई प्रस्ताव बर्खास्तगी के लिए हमने वरिष्ठ अधिकारी को भेज दिया है। एक माध्यमिक शिक्षक है तो उसका JD को भेज दिया गया है। 2 उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, उनका लोक शिक्षण को भेज दिया गया है। बकाया अभी 5 कर्मचारी हमारे मतलब परीक्षण कराने नहीं पहुंचे हैं, उनका हमारे द्वारा वेतन रोक दिया गया है कि जब तक वो परीक्षण नहीं कराते हैं, और अगर परीक्षण कराने भी नहीं जाएंगे अगली टर्न पर तो उनका भी कार्रवाई प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। उसमें से 5 जो कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी पूरी रिपोर्ट वहाँ पर नहीं आई है, रिपोर्ट में अपेक्षित रिपोर्ट जो है उनके द्वारा नहीं भेजी गई थी कि अभी ये पूर्ण परीक्षण नहीं हो पाया है, तो वो पूर्ण परीक्षण रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। और शेष 2 कर्मचारी जिले से बाहर चले गए हैं, तो उनका अपने यहाँ से कार्रवाई प्रस्ताव संभव नहीं है, परीक्षण भी संभव नहीं है, तो वो संबंधित जिले द्वारा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल 157 शिक्षकों ने विकलांगता के आधार पर नौकरी प्राप्त कर ली थी, जिससे कुछ लोग भिंड के भी शामिल थे। अब देखने वाली बात होगी कि भोपाल स्तर के अधिकारी इस रिपोर्ट को मान्य करते हैं या जांच की तलवार दोबारा लटका दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भिंड।